आप लोग कितने टाइम से बोल रहे हो कि मेरे शहर आओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो हम आ रहे हैं भैया अमृतसर, गुरु दी नगरी। मतलब इतना मज़ा आने वाला है ना, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, आई कांट वेट। और ऑफकोर्स इतना बढ़िया बढ़िया खाना। बस एक ही प्रॉब्लम है कि सबके सब लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी ना, तो मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला क्योंकि इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस किया है। हेलो, हाँ कहाँ हो भैया तुम सब, क्या हो रहा है? देख तुझको पता है सस्ता प्रोडक्शन है, ट्रेन अगर मिस होगी ना तो प्रोडक्शन की बैंड बच जाएगी बजट की, ठीक है? मैं पहुंच गया हूँ, मैं स्टॉप पे हूँ। अरे तू बताओ तो हो कहाँ तुम लोग? ओए पापे किथे चले? अरे यार तू भी आ जाओ साले, ना आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है, किधर? अरे भैया ये क्या लेकर आ गए हो तुम, ये हम साथ साथ है वाला ये गाड़ी है क्या? ये मेरे को ट्रेन से जा रहे थे हम। जिंदगी बना रोते रहियो, ट्रेन 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 सस्ता प्रोडक्शन दादे। देखो मैं आ गया हूँ, यही फर्क होता है शेफ में और तुम जैसे। अरे ये क्या, तेरी मम्मी ने अलाउ कर दिया खाने में? एक कंडीशन दे दी यार। क्या कंडीशन? साल भर की ना बढ़िया पापड़ लेके आओ, पूरे कॉलोनी में बांटेंगे। हंस मत, तेरी मम्मी ने जो मुझे बोला है ना, बता मेरी मम्मी से बात करना बंद कर दे, ठीक है? छोड़ दे तू यार, बता दो। अच्छा भाई दबे, सॉरी, ये है मिस्टर सदफ, ठीक है? ये मास्टर शेफ भी गया हुआ है, पता नहीं कैसे इस शक्ल के साथ आ गया। ये टोपी पहन के रखता है पता नहीं क्यों बार बार, ठीक है? बट इसको पहुंचा दिया मास्टर शेफ में किसी तरीके से। अरे बस खाना शक्ल दोनों पहुंचा दिया। एग्जैक्टली, ये बनाता है मैं खाता हूँ। हमारे को बिन बताए पहुंच गए हैं। मैंने तुम्हारे को सीट असाइन करी, मेरे को वो पूरा पीछे वाला चाहिए, ठीक है? बता रहा हूँ पहले से। डायरेक्टर साहब चलो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू सर्व्ड। और हम हैं इन द होली सिटी ऑफ अमृतसर। ये बहुत ही रंगीन सिटी है, थोड़ी छोटी है कंपेयर टू अदर सिटीज, बट लोग बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोग बड़े अलबेले, बड़े मस्ताने थे, बड़े क्यूट थे यार। आप लोग कितने टाइम से हमें बोल रहे हैं कि भैया दिल्ली से बाहर आओ, कुछ नया करो, तो हम आ गए अमृतसर। भाई तू क्यों खुश रहता है? लेके मैं आया हूँ, मेरे आते प्रोडक्शन का पैसा देखो कहाँ चला गया। एक्चुअली मुझे काफी डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, बट दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 4 weeks। मुझे भी करना है। अरे यार पतंग पतंग छोड़, अभी ना मुझे मार्केट जाना है। हाँ। मार्केट मैंने बढ़िया नहीं लिया तो मेरी मम्मी ने छत्तर फेंक के मारा मेरे। यार ये बढ़िया कुड़िया कुड़िया पता नहीं क्या है यार, वेरी इंटरेस्टिंग। चलते हैं मार्केट। आप टेंशन मत लो, लड़के के लिए मैं सोने की कुड़ी ढूंढ के लाऊंगा। अच्छा आंटी कुछ और चाहिए आपको? मतलब मैंने बड़ी बड़ी ले ली है, बड़ी आम पापड़ का ले ली है। हाँ ठीक है, हाँ आंटी फिकर नहीं, फिकर कोई नहीं आंटी। ओके आंटी मिलते हैं दिल्ली में। तू मेरी साइड है, उनकी साइड है? अरे चल 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 तू टेंशन मत ले, अभी ना खाना खाते, भूख लगी तेरी। कितना पतला हो गया मेरा यार। क्या एंगल? लड्डू, मूंग के लड्डू, ये मुझे पसंद आएगा। मुझे पता है ना भाई, जब पकौड़ियाँ कहीं बनती हैं हमारे खाने। हाँ ये भी चाय खाते हैं? जो पहली बार 1916 में शेखपुरा पाकिस्तान में बनी थी और पार्टीशन के बाद वो यहाँ आ गए। उसका नाम है केसर दा ढाबा। अरे केसर दा ढाबा, इसके नाम तो मैंने भी सुना है। आई हैव हर्ड दिस इज द फर्स्ट प्लेस यू शुड कम टू व्हेन यू विजिट अमृतसर, एंड दैट्स व्हाई सुबह सुबह मैं पहले दिन तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। चलो ग्रेट, लेट्स सी व्हाट द फस इज अबाउट, लेट्स गो। यहाँ की दाल वाल बड़ी फेमस है। अच्छा हाँ, लेट्स गो, दाल खाएं, लेट्स गो। अरे चलो, अरे बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, मेरा नाम सदफ जी। मेरा नाम शशांक है जी। ओके तो सर, ये इतना आपका पुराना इतना फेमस ढाबा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत है ये पाकिस्तान लाहौर में। अच्छा, एक कस्बा है। हाँ।
हाँ जी, उसका नाम है शेखुपुरा। अच्छा, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे फादर, हाँ जी, ये वहीं के रहने वाले थे। अच्छा, वहीं से स्टार्ट किया उन्होंने। फिर वहाँ से यहाँ कैसे आया? ये 47 के बाद इधर आए। अच्छा अच्छा, दोबारे के बाद गाँव में किया था। तो सर, आपकी जो दाल फ्राई बड़ी फेमस है, उस दाल फ्राई के पीछे का राज क्या है? ये राज ग्रैंड फादर का है हमारे पास। अच्छा, किसी को हमने रखा हुआ, दिया नहीं किसी को। अच्छा, ना ही हम देंगे किसी को। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के राजेश खन्ना थे। हाँ जी, अब तो वो नहीं है। हाँ जी, उनका यही पास में हवेली थी उनकी। अच्छा अच्छा, जो कॉलेज के जमाने में वही खाना यही खाते थे। और जब सुपर स्टार हुए फेमस, तभी वो आया कर खाना खाने। हाँ जी, आते पर रात को थे। गड़बड़ ना हो जाए। और कौन कौन से फेमस लोग हैं? किचन की बात की है आप, फेमस स्टार्स की बात करें। हाँ, मैं तो चला किचन के अंदर। अच्छा, ठीक है, मैं अंकल मैं किचन जाता हूँ, आप उसको बताइए फिल्मी कलियां तुम खिलाओ। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, मैं भी इसके पीछे जाता हूँ, मुझे किचन ना चला दे आपकी। ठीक है, नहीं चलता, धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। सदा आप सर? मनोज कुमार। अरे मनोज कुमार, तो एक्टर वाले? एक्टर वाले नहीं। अच्छा सर, यहाँ नाम? हाँ जी बोलिए। मतलब दाल है? ये है दाल, इधर दाल। दिस इज दैट फेमस एंड बेस्ट दाल, जो कि है माँ की दाल। तो इसको कैन आई टेक इट? सो बेसिकली माँ की दाल को करीब 8 से 10 घंटे पकाते हैं। और ये कितने देर हो गए चले? तो 8 घंटे हो गए। लो जी, इसको 8 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 घंटे और चलेंगे। और इसके बाद जो दाल का फ्लेवर आएगा, ओहो मक्खन वाला क्रीमी फ्लेवर। लेकिन ये स्लो कुक हो रही है, आँच बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रही है आँच बिल्कुल कम है। दैट्स द मेन ब्यूटी ऑफ माँ की दाल, दाल मखनी या फिर कोई भी ऐसी काली दाल, जितना स्लो पकाओगे उतना ही स्वाद आएगा। सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। हाँ जी, क्रीमी। थैंक यू सर, कब ढक सकते हैं आप? हाँ चलो, दिस इज रोटी स्टेशन। यहाँ पे जो तालियां बज रही हैं, तालियां नहीं, लच्छा पराठा, मैं लच्छा पराठा। द ब्यूटी इज कि ये जो इसके बिल्कुल कॉइल होता है, और जो पेस्ट्री जो बोलते हैं पफ पेस्ट्री, एग्जैक्टली, अलग अलग क्रिस्पी होती है, लेयर्स होते हैं, लेयर्स होते हैं बिल्कुल। यू कैन सी द फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल तंदूर पे जाके क्रिस्पी बना है। और ये देखो, इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता डाला गया है। अभी इसके ऊपर लगेगा बटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से लेयर्स बने हुए हैं। ये देखो, ये करा हुआ है। तुम देखो, ये देखो लेयर, ये रे, ओहो ये तो इतना सुंदर लग रहा है भाई साहब। दिस इज द फेमस पालक पनीर। क्या बात है, देखी थी, बहुत रिच लग रहा है यार। स्मेल इतनी जबरदस्त आ रही है, ओह माय गॉड, क्या खुशबू है। ये पालक पनीर, शाही पनीर, ये है कढ़ाई पनीर, या मटर पनीर, मटर पनीर, और ये है दाल, राजमा, राजमा, इसकी माँ, उसकी माँ, राजमा। किचन देख लिया, किचन लुक्स मैसिव बाय द वे। हाँ, इतना सुंदर और इतना लाइक एक्सेसिबल किचन है और साफ है, बहुत साफ, बहुत सही है। अरे भाई, मेन कोर्स तो देख लिया, मीठा भी देख लिया सर, लेट्स गो। इनकी फेमस फिरनी, आइए सर, चलिए चलिए, लेट्स गो। फिरनी का सेक्शन बिल्कुल अलग है, और वो है यहाँ। ये नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम जी? क्या क्या गया है? चावल का आटा डालते हैं, वनीला और केसर साथ में गया है। अच्छा जी, तो ये कितनी के जी ये बन रही है अभी? 70 किलो। तो दिन में एक बार 70 किलो बनते? 2 टाइम बनती है। अच्छा, ओ तो 100 2 टाइम बनती है, हम 4 टाइम भी बनते हैं। 4 टाइम बनती है, 4 टाइम कितना होगा? 280 किलो एक दिन में? एक दिन में। और ये पूरी फिरनी बनने में टाइम कितना लगता है आपका? टोटल 1 घंटा लगता है इसको। 1 घंटा? थोड़ा मैं भी करूँ इसको। अच्छा देखो मैं, अच्छा ये तो बड़ा स्मूथ है यार। हाँ ये लो, तुम भी ट्राई करो। अरे यार बहुत स्मूथ है, घोटना नहीं है। अच्छा ऐसे ही? हाँ Okay. अब एक्चुअली इंतजार नहीं हो रहा, हमें जेन्युइनली खाना खाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं जा रहा हूं। अरे चल ना यार। ओए चुप पड़, सॉरी आई डिडंट रियलाइज कि एकदम से रिएक्शन होगा ऐसा।
इन हाथों को काट लिया जाए। कोई और चौपड़ ना कर पाए। चौपड़ ना कर पाए। अच्छा हम दोनों दोस्त एक एक थाली में खाएंगे। प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। अरे यार बहुत आ गया। ओए लस्सी, गुलाब जामुन, गुलाब और फिरनी। और ये है फिरनी। वी ऑर्डर्ड टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेस डेजर्ट्स इन इंडिया। एक्चुअली आप बताइए आपका फेवरेट डेजर्ट कौन सा है दोनों में से, फिरनी या गुलाब जामुन? कमेंट करें बताएं। तो इस थाली में हमारे पास है माकी दाल, बिल्कुल छोले और ये फेमस पालक पनीर। हाँ जी, और साथ में प्याज भी है, प्याज भी है और चाल भी है। और ये है लच्छा वाला पराठा चौपड़ करके। साथ में हमने मंगाया है डेजर्ट में फिरनी और गुलाब जामुन, और ड्रिंक में ओ देसी ड्रिंक लस्सी बड़ा वाला। और दिस इज एक्चुअली वेरी थिक, इफ यू कैन सी। हाँ जी, ये बिल्कुल थिक है, बिल्कुल मलाई मार के है। अच्छा, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ी देर बात पीऊंगा मैं। कूल। सो लेट्स डिग इन। छोला काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, थोड़ा स्पाइसी है, एंड अगेन पंजाब में है ऑफ कोर्स, घी का तो प्रोनाउंस फ्लेवर आएगा ही, बिल्कुल भी है, स्मेल भी है। दैट्स व्हाट आई एम लविंग अबाउट माय छोले। ओके, नाउ लेट मी ट्राई द दाल। माय गॉड, व्हाट इज दैट? बट इट्स रियली नाइस एंड सॉफ्ट एंड क्रीमी एंड री, बहुत बढ़िया यार। पर ऊपर देखो घी तवा घी लग रखा है, ऐसे ऐसे करके मिला दो बस। अच्छा एनीवे, आई एम गोना ट्राई द फेमस पालक पनीर नाउ। लेट मी ट्राई। सो दिस थाली इज वी आर शेयरिंग। हां जी बिल्कुल। बट दिस थाली इज एज बिग इज जस्ट फॉर वन पर्सन बाय द वे। एक बंदा इसको शायद खा ले, हम तो नहीं खा पाएंगे। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। अच्छा जी, है ना? And then it's just, it really like, there are so many different kinds of flavors that धीरे धीरे तुम्हारे palate पे उतरते रहते हैं। I know, like subtle flavors बहुत सारी चीज़ों का आ रहा है, एक ज़्यादा दूसरा आ रहा है, दूसरा ज़्यादा तीसरा आ रहा है। And इसमें जो पनीर है उसको हल्का सा थोड़ा fry कर डाला गया है। हाँ, तभी तो वो एकदम जबरदस्त crispy सा flavor आ रहा है। I am going to now head to the छोले, मैंने छोले भी तो try नहीं करे। मैं दाल खाऊंगा। Go for it। देखता हूँ, शशांक ने बोला बड़े पसंद आए दाल, देखा जाए। Now I know why you said it. Awesome. Not bad, right? Not bad. Literally मुंह घुल चुका है. Exact. I put it in the mouth and ये घुल गया. कैसे यार? But this is I think a sign of a great dal. Great dal, yeah. So good. This dal fry is amazing. अब खाना खाइए सर, तब तक मैं लस्सी का आनंद लेता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, लुफ्त उठाइए. अरे वाह, क्या मूंछ बनी है तुम्हारी? Really creamy. अच्छा? देखा मुझे, मैं भी टेस्ट करूँगा. बचपन की याद देखो, ताता कहो. बचपन की याद है ताता कहो. माता दी, लेट्स टॉक. यार तू थाली खा, यू नो अब मैं से कंट्रोल नहीं होता, मैं फिरनी पे अटैक करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ फिरनी को. अच्छा, मैं भी थाली को होल्ड पे रखता हूँ, मैं भी गुलाब जामुन ट्राई करता हूँ. कल सर, तो ये है फिरनी, एंड ये जो सिल्वर वर्क है सर, ये तो वर्क है, वर्क है, इट इज़ वर्किंग. ये जो फिरनी है एक्चुअली डिलीशियस है. आई मीन ट्राई इट, या ओके, एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई हैव टू टेल यू अबाउट गुलाब जामुन. आई रियली लाइक दिस गुलाब जामुन. लेट्स एक्सचेंज. लेट्स एक्सचेंज. ये लो जी. अरे यार, ये फिरनी बहुत बढ़िया है. ओह, इट्स रियली नाइस सर. हम आपको मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद विद द रेटिंग एंड आल्सो सम रियली फन इंफॉर्मेशन, सो स्टे ट्यून्ड. एंड आपके लिए कुड़ियां भी ढूंढनी है बाहर. अरे यार, कुड़ियों के पीछे मत पड़ यार, तू खाना खा, खाना खा, चलो गो गो गो. सॉरी, दैट वाज अ एपिक फेल. आज क्या दिन था हमारा अमृतसर में. फर्स्ट डे वी वेंट शॉपिंग एंड देन वी हैड फूड फ्रॉम केसर दा ढाबा, फेमस केसर दा ढाबा. हां जी, क्या रेटिंग देंगे आप केसर को? देखो, केसर के ढाबे को ना मैं रेटिंग दूंगा पूरे चार. अरे जो क्रीमी लस्सी, फिजनी, जो दाल जो बनी थी ना यार, इट वाज सो गुड. है मेरे पास. अगर आप यहाँ पे आना चाहें और खाना चाहें तो प्राइस फॉर टू इज गोइंग टू बी अराउंड 400, व्हिच इज वेरी वेरी रीजनेबल, वेरी वेरी रीजनेबल. सर, ट्रिविया क्वेश्चन. आज का ट्रिविया क्वेश्चन है, केसर ढाबा पाकिस्तान के किस गाँव में शुरू हुआ था? तो प्लीज वीडियो रिवाइंड करिए, आंसर पता करिए और फिर कमेंट्स में हमें बताइए. कमेंट 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 कमेंट. यार कमेंट करना बंद मत करो. हाँ, कमेंट करते रहो, फ्री में होता है. ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करिए और कीप वाचिंग आवर चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम अमृतसर. हां, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब तो कर ही दो यार. सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके शहर में नहीं आ पाएंगे, आपके गांव में, आपके किचन तक नहीं घुस पाएंगे यार. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन आई एम शशांक एंड आई एम सदा एंड यू हैव बीन सर्व्ड. चलो पता 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 पता